पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द व गठिया एक दवाई में, जड़ से खत्म, दवाई पूर्णतया आयुर्वेदिक रहेगी जिसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दवाइयों का कोर्स आपका 3 महीने का चलेगा और 3 महीने में आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने 3 झूठ बोले हैं। सबसे पहला, जोड़ों का दर्द व गठिया एक दवाई में जड़ से खत्म। जड़ आपका शरीर है, जैसा कि आयुर्वेद मानता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो जड़ आपका शरीर है। सभी दुख दर्द आपके शमशान में जाके दूर होंगे, उससे पहले कभी भी नहीं होंगे। जो आपके दोषों की विषम अवस्था है जिसके कारण आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण आते हैं, उनको सामान्य किया जा सकता है। पर कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो आपको या आपकी किसी बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। दूसरा, दवाई लेते ही दर्द खत्म हो जाएगा। आयुर्वेद में अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है जिसे लेते ही आपके जोड़ों का दर्द हाथों हाथ खत्म हो जाए। यदि कोई भी दवाई या चूर्ण आपको दिया गया है जिससे आपके जोड़ों का दर्द तुरंत खत्म हो जाता है, तो उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन नाम से एक स्टीरोइड आता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, उसको मिलाया जाता है, जिसके विपरीत परिणाम बहुत घातक होते हैं। तीसरी अगर चीज की बात की जाए, जो मैंने इसमें बोला कि कोर्स चलेगा आपका 3 महीने का, कोई भी आयुर्वेदिक दवाई ऐसी नहीं है भाई जिसके कोर्स आदि चले। आपको किसी तरह का डिप्लोमा या डिग्री ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ एक दुकानदारी चलाने का तरीका है। किसी तरह के कोर्स आदि आयुर्वेद में नहीं चलते हैं। अब बात की जाए जोड़ों के दर्द की, अगर आपको जोड़ों का दर्द पिछले कुछ समय से शुरू हो गया है, तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रिज की चीजें, बासी चीजें और खट्टी चीजें, इन चीजों का पूर्णतया त्याग कर दीजिए। जितनी भी चीजें आपको पैकेट में मिलती हैं वो आपको नहीं लेनी है। कोशिश कीजिए सुबह टहलना आपको शुरू कर देना है। अगर आप पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो शरीर में जकड़न जो है बढ़ती चली जाएगी। कोशिश कीजिए शरीर पर थोड़ा थोड़ा पसीना आपको आता रहे। हल्का और सुपाच्य आहार ही आपको इस दौरान करना है। अब जोड़ों का दर्द होता क्यों है ज्यादातर लोगों में, तो भाई विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। सुबह की धूप में अगर आप घूम लेते हैं वो पूरी हो जाएगी, वरना आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है, उसके लिए आप पालक खा सकते हैं या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आदि ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जोड़ों का दर्द या गठिया लंबे समय से आने लगा है, तो आयुर्वेद में पूर्णतया उपचार संभव है, लेकिन कोई भी दवाई ऐसे ही नहीं लेनी है, क्योंकि आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयां होती हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करती हैं। विपरीत प्रकृति की कोई भी दवाई लेने पर आप पर विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसा एक मिथ बनाया गया है कि आयुर्वेदिक या नेचुरल दवाइयों के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। भाई हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवाइयां सभी दवाइयां अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करती हैं। और यदि आप आयुर्वेद में उपचार की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो चीज मायने रखती है वो है आपके परहेज। उसके बाद अगर बात की जाए कोर्स आदि की, हर इंसान की आयु अलग है भाई, हर इंसान के शरीर की अवस्था अलग है, तो उसके अनुसार ही उनकी दवाइयां 10-15 दिन, महीने 2 महीने तक चल सकती हैं।